हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। क्यों न करते हम अदा शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा। क्यों न करते हम अदा शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा। मेरी हर सांस, मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं, जो भी है मेरा तेरा। लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। या साहिबल जमाली बया सय्यदुल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लकद नुविरल कमर, ला युम्किनु सना कमा काना हक्कहू, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सिद्दीक जलवरेज जमाल महम्मदी, फारूक परदादार जलाल महम्मदी, उस्मान हया पजीर खिसाल महम्मदी, हैदर मुकीम बज़्म कमाल महम्मदी। बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नजर ओ चिश्त बुखारा वही राको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अब जरा सा शरीक हो जाएं, ऐसा लगे देखने वाला अगर देखे तो लगे ये हुजूर के आशिक बैठ करके इबादत कर रहे हैं। इस अंदाज में बैठ जाएं, हमारे यहाँ फिक्र ये है कि छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कोनो मका की बात, छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कोनो मका की बात। मियां पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात। जरा इस यकीन के साथ आपने बैठना है, कोई दुनिया की बात नहीं करनी है। आज इस यकीन के साथ बैठिए कि हम मदीने वाले आका के जिक्र की महफिल में आए हैं। आए तो खाली दामन लेकर के हैं, जब जाएंगे तो मदीने वाले आका के नवासों का सदका हमारे खाली दामन में होगा इंशाल्लाह। जरा इस यकीन के साथ जरा हाथों को उठा के एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह, जरा सारा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, सलामत रहिए। ये शोरा इकराम बैठे हैं, यहां से मैं अपनी निजामत को इस मुशायरे की कामयाबी की सड़क पर उतारता हूं। पहला मतला आपकी समातों के मुंसिफाना अदालत तक, आप कैसा सुनते हैं मुझे मालूम है, मैं कैसा सुनाता हूं ये आपको मालूम है, तो बात बन जानी चाहिए यहीं से। मतला यूं है कि ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसके बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की, जरा आवाज बुलंद कर लें, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरात बेदार हो गए हैं, मेरा काम खत्म हुआ। आपके इलाके की एक आवाज है जो आपकी समातों के करीब हुआ चाहती है, बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करने लग गया हूँ जनाबे मोहतरम मोहम्मद अली साहब तुल्ला से, वो तशरीफ लाएं और उस नबी मोहतशम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिनको रब ने तौरात में औहीद कहा, जबूर में माही कहा, इंजील में अहमद कहा, कुरान में मोहम्मद कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरीफ शहबाज पुकार उठे, कलाम पाक का एक एक सफा बयां शान रिसालत कर रहा है,
तमाम अल्फाज सब बांधे खड़े हैं, नबी का नाम इमामत कर रहा है। यावर वारसी पुकार उठे, यासीन स्वाद काफ तो दर्जा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है। कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिनके लिए बना हूं इशारा उन्हीं का है। तू मेरा चैन है मेरा करार है खाजा, गरीबी इसलिए दामन में लेके बैठा हूँ, सुना है तुमको गरीबों से प्यार है ख्वाजा, गरीबी इसलिए दामन में लेके बैठा हूँ, सुना है तुमको गरीबों से प्यार है ख्वाजा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली साहब को, मैं बहुत बहुत मुबारकबादियों के गजरे पेश करता हूँ। एक अजब कैफियत थी जब ये पढ़ रहे थे, अल्लाह तबारक ताला सरकार गरीब नवाज के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। यार मुझे एक हैरत है, मैं बड़ी हैरत से आपको देख रहा था कि जिक्र उस जात का हो रहा है जिनके दरे पाक से भीख मिलती है तो हमारे और आपके घर के चूल्हे जलते हैं और आप खामोश थे। क्या आप लोग क्या कहने पे ही सुभान अल्लाह कहते हैं? क्या दिल पे जब कोई बात लगती है तो क्या ये ऐसा नहीं महसूस होता कि अब हमको सुभान अल्लाह कहना चाहिए, माशा अल्लाह कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए? अच्छा ये मेरे भाई फिर सामने आप खड़े हो गए, बैठ जाइए ना, कितना अच्छा लगेगा अगर आप सब बैठ जाएंगे। आने वाले वक्त में जो सबसे ज्यादा परेशानी और दिक्कत वाली बीमारी होने वाली है उस बीमारी का नाम घुटनों का दर्द है। हम नहीं चाहते कि आप हजरात इस बीमारी में मुलव्वस हो जाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आपका जो रिश्ता है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कलमे का रिश्ता है। इतना अच्छा इंतजाम किया है कमेटी वालों ने, इतना साफ मैड है, इतना अच्छा इंतजाम है। देखें ये कुमकुमे, ये अच्छा टेंट, ये अच्छा पिंडाल, आप जैसे अच्छे सामईन, ये अच्छा माइक है, ये अच्छे उलमा शोरा नुकबा मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। आप हजरात भी बैठ जाइए, आपको पता है ये प्रोग्राम नश्र हो रहा है, इसको लिमरा एजेंसी के कैमरे के जरिए आज पूरी दुनिया देख रही है, हमको तो रोज देखती है मगर आज रसूलाबाद के सामाईन को देख रही है। आपने इतना अच्छा इंतजाम किया है, इतना अच्छा पिंडाल लगाया है, इतना अच्छा खाना खिलाया है, इतनी मोहब्बत पेश की है, तो अब आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि इतना अच्छा इंतजाम करने के बाद उतना ही अच्छा आप सुने भी, तब तो बात बन जाएगी इंशाल्लाह। जरा बैठ जाए माशाल्लाह, बैठ जाइए ना माशाल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, आप लोग भी बैठ जाए, वहां ना जी लगे तो मिंबर शरीफ पर आके बैठ जाए। आपके लिए ये मेरी पलकें हैं, ये मेरे दिल का कारपेट है, यहाँ बैठ जाए, आ जाए मिंबर पर बैठ जाए माशाल्लाह। मेरे आका मौलाए कायनात फरमाते हैं, मेरे आका सरकारे मौलाए कायनात हमेशा जमीन पर बैठा करते थे। कहाँ बैठते थे जरा जोर से बोलिए, जमीन पे बैठा करते थे। एक रोज मेरे आका मौलाए कायनात से किसी ने अर्ज की, सरकार आप हमेशा जमीन पे ही क्यों बैठते हैं? सरकारे मौलाए कायनात फरमाते हैं इसलिए क्योंकि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। हाय हाय हाय, जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। आपको हुजूर के जिक्र सुनने का भी सवाब मिल रहा है और सुन्नते मौलाए कायनात भी अदा हो रही है ना माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खानकाह ही रंग है, ऐसा लग रहा है कि किसी पिंडाल के साए नहीं, किसी खानकाह में बैठ करके हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रौनकें हैं इस महफिल में, अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आप सबको सलामत रखे, इसी साल मदीने शरीफ की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। यार जोर से आमीन कहो ना, क्या जिंदगी में एक मोमिन के लिए इससे बड़ी भी दुआ है कि अल्लाह करीम उसको इसी जिंदगी में मदीने शरीफ की जियारत नसीब अता फरमा दे। जब मदीने शरीफ का नाम आया करे तो तड़प जाया करे, मचल जाया करे, ऐसा लगना चाहिए कि जिक्र हो रहा है जहां, उस मदीने का जिक्र हो रहा है जहां हुजूर आ रहा था। एक ऐसा नारा लगाइए, एक ऐसा नारा लगाइए कि यहां से आवाज बारगाहे सरकारे शफीपुर पहुंचे, शफीपुर से बिलग्राम शरीफ, बिलग्राम शरीफ से गरीब नवाज, गरीब नवाज से गौस पाक, गौस पाक से आका हसन हुसैन, आका हसन हुसैन से बारगाहे मौलाए कायनात, बारगाहे मौलाए कायनात में जब आवाज पहुंचे तो मौलाए कायनात हुजूर से कहें आका रसूलाबाद में बैठ के दीवाने याद कर रहे हैं। जरा इस यकीन के साथ हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या अली, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, माशाल्लाह, सलामत रहिए। अब यहां से
चार मिसरे और पढ़ता हूँ। अहले मिंबर की जरा तवज्जो और दुआएं चाहूँ। ये मुस्कुराते हुए चेहरे मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, इनकी दुआओं का हाथ मेरे सर पे है। एक चार मिसरे पढ़ता हूँ। आज इस महफिल का पहला तोहफा सामईन रसूलाबाद के हवाले, शाहिद भाई बैठे हैं, जो अलमा बैठे हैं, पहला तोहफा आज की सबका सुनिए के उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई ऐसा तो नहीं। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई ऐसा तो नहीं। करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। कहते हैं मैं तो खुद, जरा दिल लगाना, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं। अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है वरना कदमों पे आंखें बिछा दूं। अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है वरना कदमों पे आंखें बिछा दूं। इकबाल अजीम हमको झिझोड़ते हैं, या के दी गई थी तिलावत कुरान रब्बानी करने के लिए, या के दी गई थी गुंबद खजरा शरीफ देखने के लिए, या के दी गई थी बगदाद के दूल्हा का रोजा देखने के लिए, या के दी गई थी अजमेर के ख्वाजा का रोजा देखने के लिए। इन आंखों को हमने टीवी स्क्रीन की जीनत बना रखा। इकबाल अजीम हमको झिझोड़ते हैं, इकबाल अजीम हमको झिझोड़ते हैं, कहते हैं मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है वरना कदमों पे आंखें बिछा दूं। इकबाल अजीम कहते हैं बेनिगाही पे मेरी न जाएं, बेनिगाही पे मेरी न जाएं, दीदवर मेरे नजदीक आएं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का करीना बता, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का करीना बता दूं। आप नबी के इश्क में डूब करके नबी की नाज सुन रहे थे। मैं यहाँ बैठा था आरी साहब के करीब में और आपको देख करके मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था दरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, दरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का, बहुत शुक्रिया। जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। मेरे भाई आप फिर खड़े हो गए हैं, मैं आपको देखता हूं तो खड़े आप हैं, तकलीफ मुझे होने लग जाती है। मेरे भाई आपके बैठने के लिए इतना अच्छा इंतजाम है, जरा बैठ जाएं, बैठ करके हुजूर का जिक्र सुनेंगे तो आपको हुजूर के जिक्र सुनने का भी सवाब मिलेगा और मौलाए कायनात की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। ये तमाम मुस्कुराते हुए चेहरे हुशाखाने अहले बैत मुस्तफा के मेरी निगाहों के सामने हैं। आप देखें अंग्रेजी मॉर्निंग सोस द डे, मॉर्निंग सोस द डे, जैसी सुबह होती है वैसे ही पूरा दिन गुजरता है। जब इब्तदा इतनी अच्छी है तो इंतहा अच्छी ही होगी इंशाल्लाह, है ना। मजा आ रहा है, दिल लग रहा है आप भाई, आप सबका दिल लग रहा है। अब यहाँ हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगेगा तो कहां लगेगा, है ना। अब यहाँ आप आए हैं तो यहाँ बैठ करके इतनी नेकियां कमा लें, तो यहाँ से उठने के बाद आपको अपने घर का रास्ता दिखे ना दिखे मगर मदीने शरीफ का दरवाजा जरूर नजर आएगा, है ना। तवज्जो है, करम से रहमतों से इस्तफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने, मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया, मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर दिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी घड़ी में तकरीबन 11:15 बजने को है और मैंने ये इरादा करके मिंबर शरीफ पर आया था कि आज 12:10 पर जनाबे शब्बीर बरकाती को माइक दे दूंगा।
और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि जनाबे शब्बीर बरकाती को मैं जल्द अज जल्द माइक पर ले आऊं, ताकि ये जो हुजूर की मोहब्बत का जाम पीने के लिए आशिक आए हुए हैं ये सैराब हो जाए, है ना। माशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, बस आपने जरा दिल लगा करके सुनना है। जनाबे शब्बीर बरकाती इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद स्टेज पर होंगे। जनाबे अजहर नूरी कानपुरी तशरीफ रखते हैं, जनाबे शाहिद रजा फतेहपुरी तशरीफ रखते हैं, जनाबे कारी हसनैन रजा लालपुरी तशरीफ रखते हैं, जनाबे तफसीर रजा बारा अकबरपुर तशरीफ रखते हैं। इन चार खुशकिस्मत सनाखानों से हमको और आपको मुलाकात का शरफ हासिल करना है। याद आती है मेरे इमाम की, मेरे इमाम ने कहा था हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अब अगर आप हजरात तकल्लुफात के धागों से अपनी आवाज को आजाद करें और अपने हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह कहें तो मैं कुछ मिसरे आपको सुनाऊंगा। कह रहे हैं तो जरा सारे लोग कह लें, ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत से कहे ना या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कहें या अली या अली या अली या अली या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हसन। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम में कुछ मिसरे पढ़ रहा हूं। मियां ये वो घराना है, यहां तो अपने गैर भी खाली हाथ नहीं जाते। बायत यसर यही था तकाजा यजीद का, मायूस फिर भी दर्ज सवाली नहीं गया, बायत की हुसैन ने सर दे दिया उसे, मियां इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया, बायत की हुसैन ने सर दे दिया उसे इस दर से तो यजीद, भाई जरा तवज्जो रखिएगा, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। कुछ मिसरे उस आली मर्तबत घराने के शहजादगान की बारगाह में पेश करता हूं, अगर आपके दिल के करीब पहुंच जाए तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आप सुनेंगे तो आपकी मर्जी, नहीं सुनेंगे तो आपकी अपनी मर्जी। मतलब यूं है कि जमीन पे खूने मोहम्मद की आबियारी है। जब कोई आलिम तकरीर करता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, जब कोई शायर अच्छा शेर पढ़ता है तो उसकी अच्छी फिक्र का अंदाजा होता है, जब हुजूर के बेटों का जिक्र सुन करके सुन्नी मचलता है तो उसके इश्क का अंदाजा होता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है इश्क, ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। मियां अल्लाह ने तो आपको जबान दी है, जरा हाथों को उठा के कहे या हुसैन, जमीन पे खून मोहम्मद की आबियारी है, मोहम्मद की आबियारी है, जमीन पे खून मोहम्मद की आबियारी है, इसीलिए ये जमीन आसमां से भारी है। यजीद यजीद तू तो बड़ा हुरमला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है, हसी की तेग से हमला किया जो असगर ने, अली की तेग ने आकर नजर उतारी है, जनाबे शब्बीर बरकाती साहब किबला बिल्कुल ताजा दम है, मिंबर शरीफ पर हैं, तैयार हैं, जनाबे शाहिद रजा फतेहपुरी अपनी जगह पे तैयार रहें, इनके बाद जनाबे कारी हसनैन रजा तैयार रहें, उनके बाद जनाबे अजहर नूरी तैयार रहें। मतलब ये है कि आप महबूबे खुदा हैं, आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, तवज्जो ए नौजवानों तवज्जो, आप या शेख अब्दुल, ये मिसरा आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर से निकल जाए, जनाबे शब्बीर आपकी निगाहों के सामने हैं तो कैमरे की क्या जरूरत है, मैं आपके सामने हूं कैमरे की क्या जरूरत है। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल से सर्च कर लेना, है ना। अभी तो जब आपके सामने ही हैं हम तो फिर मोबाइल के कैमरे की जरूरत ही क्या है। जरा ऐसे बैठे जैसे ऐसा महसूस हो रहा हो कि हुजूर के दीवाने बिल्कुल ईमानदारी के साथ हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। जरा सा एक मर्तबा और हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, मिसरे सुने कि आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको, आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको, या नबी
बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। बात हो रही थी सरकार गरीब नवाज की। मैंने 2016 में कहा था दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उनसे कहा था उनसे दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा करा चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा करा चलता है। तभी तो कहता हूं हम गुलामे ख्वाजा हैं, वो हमारा ख्वाजा है, हम गुलामे ख्वाजा हैं, वो हमारा ख्वाजा है। इस जमीन पे सदियों से सिर्फ एक राजा है। हजरत बजाहिर हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की चेयर पर कोई और बैठा है, मगर उन हाकिमाने वक्त को भी भीख देने वाला राजा महाराजा हमारा ख्वाजा है, हम गुलामे ख्वाजा हैं, वो हमारा ख्वाजा है। इस जमीन पे सदियों से सिर्फ एक राजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठिए मोहब्बतों के साथ।